नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। दिन का दूसरा कोरोना अपडेट आया है जिसमें बिहार के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 7 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1012 हो गई है। आज यानी कि शुक्रवार सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की बात करें तो कुल 13 नए मरीज मिले हैं और संख्या जो है वो 1012 हो गई है। 13 नए मरीजों की बात करें तो इनमें से 5 मरीज खगड़िया से मिले हैं, जबकि सिवान से 5 मरीज, वैशाली से 2 मरीज और नवादा से 1 मरीज मिला है। तो लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरीज ठीक हुए हैं और आज जो मरीज ठीक हुए हैं उनको मिलाकर मरीजों के ठीक होने की अगर कुल संख्या की बात करें तो वो 440 पहुँच गई है। लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं, हालांकि भारी मात्रा में जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। मौत के अगर आंकड़े की बात करें तो वो बिहार में फिलहाल 7 है, 7 लोगों की ही कोरोना के कारण मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये भी बताया है कि जो 7 लोगों की मौत हुई है वो पहले से किसी गंभीर बीमारी की चपेट में थे और उसके बाद कोरोना के जब वो शिकार हुए तो उनकी मौत हुई है। हालांकि मरीजों की संख्या में जिस तरीके से इजाफा हुआ है उसमें अधिकतर मरीज अगर 4 मई से लेकर 15 मई तक की बात करें तो वो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से बिहार चलकर आए हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उनकी संख्या 358 है 4 मई से लेकर 15 मई सुबह 10 बजे तक का यह आंकड़ा है कि 358 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वो बाहर से बिहार में लौटे हैं। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।